बिजली की बढ़ती कटौती से नागरिकों में रोष व्याप्त है। विद्युत कटौती को लेकर सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर लोगों ने जुलूस निकाला। यह जुलूस संभल सदर विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सोहेल इकबाल के नेतृत्व में निकाला गया। जुलूस विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचा, जहां पर लोगों ने धरना देकर अफसरों का घेराव कर उन्हें बंधक बना लिया। वहीं लोगों ने विद्युत अफसरों पर शासन आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कितना घंटा मिल रही है संभल में लाइट? देखिए, संभल के अंदर बड़ा पक्षपात किया जा रहा है। संभल को हमारे तरफ खाली 12 घंटे लाइट मिल पा रही है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब रोजगार लोग हैं, और इन सब के रोजी रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। रोजगार कट होने के कगार पे है, जिनका कारोबार है वो खत्म होने के कगार पे है। और ये बात कोई आजकल की नहीं है, मुसलसल एक साल से मुसलसल यहाँ पे ऐसे ही भेदभाव का काम किया जा रहा है। ये देख कर के ये लोग रोजगार है, गरीब है, कमजोर है, मजलूम है, इन लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। और इसकी आवाज़ को उजागर करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और अगर हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर, तो यहाँ संभल के अंदर चक्का जाम कर काम किया जाएगा। संभल के साथ में जो पक्षपात किया जा रहा है देखभाल कर, कि ये सपा सपा का गढ़ है और मुसलमान यहाँ रहते हैं, तो जानबूझकर यहाँ भेदभाव किया जा रहा है और हमें लड़ाया जा रहा है आपस में। इसमें किसकी लापरवाही है? इसमें सीधे तरीके से विद्युत विभाग, चाहे वो संभल का हो चाहे वो लखनऊ बैठा हुआ हो, वहाँ से आदेश पारित किए जाते हैं कि यहाँ पे जो है चोरी हो रही है। इस तरह के आरोप लगाकर हम लोगों को जानबूझकर मौखिक आदेश किए जाते हैं। कोई लिखित रूप में आदेश नहीं है इनके पास, मौखिक आदेश करे जाते हैं यहाँ पर एसएम द्वारा या एसडीओ द्वारा कि यहाँ पर लाइट कम दी जाए। यहाँ मुश्किल से 12 घंटे लाइट मिल पा रही है, और किसानों को मुश्किल से 5 घंटे लाइट मिल पा रही है। यहाँ किसान लोग बहुत बैठे हुए हैं, यहाँ आलू की समस्या है पानी देना है, यहाँ गेहूँ की समस्या है पानी देना है, लेकिन लाइट नहीं मिल पा रही है। वो लोग बेचारे किस तरीके से अपना काम करने के लिए इंजन का इंतजाम कर रहे हैं, डीजल का इंतजाम कर रहे हैं, उसकी महंगाई बढ़ रही है, तो खेती इनकी नुकसान में जा रही है। तो मुसलसल ये सरकार जो है हम चाहती है कि हम पकौड़े बेचकर इनका सेवा कर सकें। ये चाहती है हम पकौड़ा बेचें और ठेला लगा काम करें। गरीबों का कोई परेशानी हाल नहीं है यहाँ पर।